अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपका भी ठीक ठाक फिट फाट है। अच्छा ठीक है। मैं आप लोग सोच रहे होंगे रमजानों में इतनी जल्दी कहाँ से उठ गया भाई, कराची में आ गए। कराची में तो आपको पता है हम लोग 1:30 उठते हैं, मगर आज मैं जल्दी जैसे उठा हूँ। आज भाई एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्या बताऊँ मैं। आज मैं बड़ा खुश हूँ, इसलिए भाई मेरे पापा आ रहे हैं पूरे पूरे 2 साल बाद पाकिस्तान। मेरे पापा बाहर मुल्क में होते हैं तो आ जा रहे हैं पूरे पूरे 2 साल बाद, मगर ये बात घर में किसी को भी नहीं पता भाई, किसी को भी नहीं पता है। सरप्राइज है, खाली मेरे को और मुनीता भाई को पता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, और बाकी बातें मैं आपको रास्ते में बता दूंगा सब कुछ। देखने क्या होता है क्या नहीं होता है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा भाई, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और बेल आइकन का बटन लाज भी दबाए। अच्छा हमको सिखा रहा है। चलो मैं आपको रास्ते में जाते हुए थोड़ी बहुत जो बातें वो बताता हूँ। 2000 years later। अरे बस एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा रास्ता रह गया। पहुंच चुके हैं, बस उधर जाएंगे, गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे, गाड़ी वाड़ी पार्किंग में लगा के फिर जाते हैं अंदर, फिर मिलते हैं आप लोग से। A few inches later. एयरपोर्ट तो पहुंच चुका है, पापा आने वाले हैं भाई। बड़ी खुशी हो रही है रे भाई, जा रहे हैं आगे। बड़ी खुशी हो रही है इसलिए 2 साल बाद आ रहे हैं पापा हमारे, हमारे पापा जान। देखते हैं मिलते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। उनकी फ्लाइट लैंड हो चुकी है, बस पहुँचने वाले हैं। वो देखते हैं कब तक के पहुँचते हैं, कब तक के नहीं पहुँचते। अभी अंदर जाके खड़े होते हैं, गर्मी बहुत है, रोज़ अभी टाइट लग रहा है, गर्मी बहुत टाइट हो रही है। देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। लेट से बस फ्लाइट आ चुकी है, ये ले पापा सबसे पहले ही मस्कत। मेरे पापा मस्जिद में होते हैं, बस आने वाले हैं कुछ टाइम, देखते हैं कब तक के आते हैं कब तक के नहीं। मस्जिद का जांच कर गया है, लैंडेड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब बस पापा को जो है अलग कदम से सही खेरियत से बस जल्दी से पापा बाहर आ जाए, मज़े ही अलग है। फर्क रहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ठीक ठाक बना हुआ, माशाल्लाह से अच्छा बना हुआ है, ठीक ठाक अच्छा बना हुआ है, बहुत बड़ा ही बना हुआ है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा है ये भी। और पापा का वेट कर रहे हैं, लैंडेड है ये, फ्लाइट टन की लैंड हो गए भाई। अब देखते हैं कब तक के पहुँचते हैं पापा, कब तक के नहीं। ठीक है बस अब इंतज़ार की घड़ियाँ बाकी हैं, 2 साल बाद अपने पापा से मिलेंगे। पापा भी आने वाले हैं और रश देखते हैं इस गेट से आएंगे पापा, रश बहुत है इसलिए माशाल्लाह से निकलना स्टार्ट हो गए लोग। अब पापा भी आने वाले हैं कुछ टाइम, आ चुके हैं भाई मेरे। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा ये रे। अस्सलाम वालेकुम जी पापा, कैसे हैं आप? ये जा रहे मेरे यंग पापा माशाल्लाह से भाई, आ गए बोरे पेंट शर्ट जो पहने में पापा, इतना को संभाल लाया भाई। वो कार वो करवा दी था पापा ने, इसलिए आपको पता है यहाँ पर एयरपोर्ट में पंचायत है वो थे माशाल्लाह से, मगर मेरे पापा कमज़ोर बहुत हो गए, वरना बहुत दुरुस्त थे, कुछ आपको बन गया माशाल्लाह माशाल्लाह से। One eternity later. भाई हम लोग घर पे आ गए और पापा अभी गए हैं कब्रिस्तान हुरेरा भाई के साथ। अच्छा अभी वो आ जाएं, फिर मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, मगर बड़ी खुशी हो रही है 2 साल बाद हमारे पापा आए। फातिमा आई, फातिमा इधर आओ, आई फातिमा, ये रही भाई फातिमा, इधर देखो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरा बेटा, कैसे है, क्या हुआ? शर्मा आ गई बंदी, शर्मा आ गई, अरे फातिमा शर्मा आ गए भाई, शर्मा आ गई। चलो यहाँ पर पापा आते हैं फिर मिलते हैं, मिलते हैं। The next day. भाई हम लोग पापा को ले आए थे और काम में इतना बिजी हो गए थे मैं ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाया, सॉरी भाई। और अब मैंने बोला यार ये वाला ब्लॉग आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ अनस के साथ शॉपिंग पे, वहाँ पर जाते हैं भाई, देखते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं। चले मैं आपको वहाँ पर अनस के पास जाके मिलता हूँ, डायरेक्ट मतलब मार्केट में जाके मिलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं। तो भाई एक्सल निकलवाना पड़ेगा अनस भाई के लिए, वो भी एक्सल।
अधिकतर शेट आदमी और नखरे जफरी वाली शेडनी वाली शेट चाहिए, नखरे इनके आसमान पर साई मिल जाता। कितना कमजोर हो गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये इसी के ऊपर पेन के चक्कर रही होते हैं। चलो मंडे तुम्हें बोला शेड भी उतारते भाई, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं होता यार, चेक तो कर दो। ये देखो यही फंस रही है शर्ट, इसके एक्स रही है, डबल एक्स बोल रहा हूँ मैं इसको, मगर मान ही नहीं रहा है ये तो शर्ट, ये टी शर्ट देख रही है। मेरे ख्याल से इसको लेना है, मैंने कुछ नहीं टाइम पास करने आइए मार्केट में। ये शक्ल का दिखाई तो उसमें नहीं, हाजी मुल्ला बन गई है साहब, इतना आइए शर्ट। अब मैं इसको बोल रही हूँ कॉलर वाली चलनी है, इसका कॉलर वाली चेक कर नहीं दे रहा है ये, तो भी मास्क कर देना, लेना बिना कुछ नहीं है, टाइम पास करवाने आइए हम लोग का। A few inches later, ये शूज देखे हैं ना भाई, देखते हैं शूज तो अच्छा लग रहा है, मगर रेट जोड़े भी ऐसी होंगे, बोलो मेरे को पसंद करने इनमें से, अभी आऊँगा मैं तीन चार दिन बाद लेने। मेरे को जो पसंद आए ना ये वाला आया, और इसके रेट बढ़े हैं 8,500 रुपये, अल्लाह ही रहम करे। जो सारे चीज़ लग रहा है अलग भाई, उनको अच्छे लग रहे हैं, रेट भी बड़े अच्छे बोले। कितने बोले रेट भाई? अनस भाई ने शूज़ भी ले लिए, बड़ी मुश्किलों से काट रहे हैं अनस भाई को चिप्स के लिए, चिप्स बन गई है, आप दोगे पैसे। ये वाले शूज़ लिए अनस भाई ने 3,500 रुपये के, 3,500 रुपये के शूज़ इतने महंगे। अनस भाई क्या बात है, इतना बड़ा दिल कर लिया, खेड़ तो है। सब भूख लग रही है, बंदा बर्गर भी बनवा रहा है, वाह भाई वाह, मेरा तो ज़्यादा पैसा आ गया बंदे के बाद आज। One eternity later. भाई हम लोग शॉपिंग पे से आ गए थे अनस भाई और मैं, भाई एक और फंड हो गया था रास्ते में, गाड़ी भी पंचर हो गई थी, चलो अल्लाह पाक ने सही किया जिससे बचा दिया। चलिए यार, अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद है आप लोग के ये व्लॉग अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह कल के व्लॉग के अंदर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।